कार्यक्रम के पुण्यार्शक हैं बापू साहेब कमल पाटिल पुणे, हेमंत सुचेता लट्ठे बेलगांव, अभिषेक परिमा सोहम लट्ठे पूर्वा और अभिषेक जैन यूएसए, फर्म गिरनार एलॉयस प्राइवेट लिमिटेड बेलगांव। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जय अहिंसा परमो धर्म की जय। जय जय परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। जय जय परम पूज्य महामनामणि राज प्रमा सागर जी महाराज की जय। जय जय प्रवचन की धारा तो हमेशा बहती है। इस बार एक अलग धारा प्रवाहित करने का मन बना है, जिन्हें मैं अक्सर उद्धृत करते रहता हूँ। आप सब लोगों ने कुरल काव्य का नाम सुना होगा। कुरल काव्य मूलतः तमिल में लिखित एक संप्रदायातीत ग्रंथ है, जिसके रचयिता संत तिरुवल्लुवर हैं और विद्वानों के द्वारा किए गए खोज के अनुसार तिरुवल्लुवर आचार्य कुंदकुंद का ही एक नाम था। आचार्य कुंदकुंद मूलतः तमिल थे। उनकी रचना है जिसे तमिल के वेद के रूप में भी जाना जाता है और विश्व की सभी भाषाओं में जिसका अनुवाद है, उसका नाम है कुरल काव्य। कुरल का अर्थ होता है दोहा, तमिल के दोहे को। मूल ग्रंथ का नाम है त्रिक्कुलर त्रिक्कुरल। संत तिरुवल्लुवर रचित ये त्रिक्कुरल एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कुल 108 आख्यान हैं और प्रत्येक अध्याय में कुल 10-10 छंद हैं और एक एक वाक्य हमारे जीवन का बहुत बड़ा बोध वाक्य है। ईश्वर की महिमा से इसकी शुरुआत हुई है और अपने जीवन के लिए आधारभूत सब प्रकार की बातों का इसमें समावेश है। हम प्रतिदिन एक एक अध्याय पर चर्चा करेंगे और अपने जीवन के निर्माण के कुछ सूत्र पाएंगे। आज बात ईश्वर की है और इस ग्रंथ की शुरुआत ईश्वर स्तुति से करते हुए भगवान आदिनाथ का स्मरण किया गया है। इसका मूल तो तमिल में है, मैं संस्कृत और हिंदी अनुवाद का यथा प्रसंग प्रयोग करूंगा। संस्कृत में अनुष्टुप छंद में इसका प्रयोग है, हिंदी में दोहे के रूप में और गद्य के रूप में भी है। इन्होंने लिखा अवर्णो वर्तते लोके शब्दानां प्रथमो यथा तथा आदि भगवान अस्ति पुराण पुरुषोत्तम। जैसे लोक में शब्दों में वर्णों में सबसे पहला वर्ण अ है, हम अ से वर्ण माला की शुरुआत करते हैं तो इस सृष्टि में आदिनाथ भगवान से सृष्टि की शुरुआत होती है। इससे पता लगता है कि इसके कर्ता जैन है। मैं अपनी बात को आगे करूं उसके पहले इसमें 2-3 श्लोक जिसमें जो शब्दों का प्रयोग है ये मुख्यतया जैन संस्कृति का ही शब्द है। जैसे मैंने कहा कि अ जिस प्रकार शब्द लोक का आदि वर्ण है, ठीक उसी प्रकार आदि भगवान पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं जो इस लोक के आदि पुरुष हैं। और फिर कहा यदि
नो नजसे पाद नो यजसे पादो सर्वज्ञ परमेष्टिन अखिलम तरहि वैदुष्यम मुधा ते शास्त्र कीर्तिने। यदि तुम सर्वज्ञ परमेश्वर के चरणों की पूजा नहीं करते तो तुम्हारी सारी विद्वत्ता किस काम की। यहाँ दूसरा विशेषण सर्वज्ञ परमेष्टि का दिया और तीसरे क्रम में और स्पष्ट कर दिया, जैन तीर्थंकर जब विहार करते हैं तो उनके प्रत्येक चरण कमल चरणों पे कमल खिलते हैं, वे कमल विहारी होते हैं। और यही उल्लेख इन्होंने इस तीसरे छंद में किया कि वर्ते पावनौ पादो स्वर्णाम भोज विहारिन अरण्यौ हृदय तस्य स नूनम चिरमेधते। जो मनुष्य उस कमलगामी परमेश्वर के पवित्र चरणों की शरण लेता है वह जगत में दीर्घजीवी होकर सुख समृद्धि के साथ रहेगा। स्वर्ण कमल पर जिनके चरण रखे जाते हैं ये केवल तीर्थंकर ही हो सकता है। और इस महान ग्रंथ के प्रारंभ में आदिनाथ का स्मरण करके ये जो विशेषण दिए वो इस बात को प्रमाणित करता है कि इसके कर्ता संत तिरुवल्लुवर जैन निर्गंथ आचार्य थे, जिन्हें आचार्य कुंदकुंद के अपर नाम के रूप में जाना जाता है। खैर जो भी हो, तमिल साहित्य के इतिहास को जब हम पलट कर देखते हैं तो पाते हैं कि आज भी जितना तमिल का प्राचीन साहित्य है उसका बहुभाग जैन साहित्य है। विद्वानों के कथनानुसार तो तमिल साहित्य से यदि जैन साहित्य को निकाल दिया जाए तो वहाँ साहित्य के नाम पर कुछ शेष बचेगा ही नहीं। एक समय था जब संपूर्ण तमिल में, आंध्रा में, केरला में जैनों का बाहुल्य था। कर्नाटक से लेकर केरल तक संपूर्ण दक्षिण भाग में जैन धर्म की ध्वज पताका फहराती थी और एक से एक महान महान आचार्य मुनि जो बड़े विद्वान थे वे अपनी साधना तप त्याग संयम का पाठ पढ़ाते हुए हम सबके लिए महान महान ग्रंथों की रचना किए थे। आज उसमें से मैंने कुरल काव्य की बात की और आज ईश्वर के संबंध में मैं आप सबसे चार बातें कहूँगा। बहुत अच्छी बात यहाँ कही गई है और ये बात हम सब के हृदय में भी बैठी भी है और बैठी रहनी चाहिए कि संसार से पार उतरने के लिए हमें भगवान की शरण लेना होगा, है ना? भगवान की शरण लिए बिना हम जीवन को पार नहीं लगा सकते। ये बहुत अच्छा वाक्य कहते हैं जिससे आज के प्रवचन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। लिखा है, केवल वे ही लोग दुखों से बच सकते हैं जो उस अद्वितीय पुरुष की शरण में आते हैं। केवल वे ही लोग दुखों से बच सकते हैं जो उस अद्वितीय पुरुष की शरण में आते हैं। भगवान की शरण में आना, चार बातें आज आप सबसे कहूंगा। ऐसे तो इसका एक एक वाक्य पूरे एक एक प्रवचन का विषय है, पर आज मूलतः मैं इसी वाक्य को केंद्र बनाकर आप सबसे चर्चा करूंगा। केवल वे ही लोग दुखों से बच सकते हैं जो उस अद्वितीय पुरुष के शरण में आते हैं। इस वाक्य को हृदयंगम करो और अपने भीतर झांक कर देखो कि मेरे हृदय में भगवान का क्या स्थान है, मेरे हृदय में भगवान कहाँ है। भगवान को मानते हो? मानते हो?
चार बातें आज आप सबसे कहूंगा, जानो, मानो, ध्याओ, पाओ। भगवान को जानो, भगवान को मानो, भगवान को ध्याओ और भगवान को पाओ। जानते हो भगवान को? बोलो, क्या जानते हो भगवान को? भगवान कौन? भगवान 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 ये शब्द किसी से अनजाना नहीं है। हर कोई भगवान शब्द को जानता है और भगवान के रूप में अलग अलग अवधारणा भी रखता है, पर सवाल ये है, भगवान कौन? बोलो। हाँ, वितराग सर्वहितोपदेशी तो रट लिया हमने। भगवान कौन? तुम अपने हृदय में भगवान की क्या छवि बनाए हो? तुम्हारे सामने कहा जाए कि आज मुझे भगवान के दर्शन हो गए, तो तुम क्या सोचोगे? तुम सोचोगे किसी सर्वशक्तिमान पुरुष के दर्शन हुए, जो जगत का कर्ता है, जो जगत का नियंता है, जो जगत का पालक है, जो जगत का संहारक है। ऐसी कोई अनादि सिद्ध परमात्म शक्ति का नाम भगवान है, यही धारणा है ना? संत कहते हैं ये भगवान की यथार्थ छवि नहीं है। भगवान कौन? भगवान उस परम आत्मा का स्वरूप है जो शुद्ध है, चैतन्य स्वरूप, निर्विकार परम तत्व है, चिदानंदमय, परमानंदमय, वीतराग सुख के रस में लीन रहने वाला भगवान है। वो भगवान मेरे भीतर भी है और बाहर भी है, मेरे भीतर भी है, बाहर भी है। भीतर जो है उसे मैं जानता नहीं, बाहर जो है वो मेरी धारणा और कल्पना के अनुरूप है। हमने भगवान की एक मूर्त मंदिर में गढ़ करके विराजमान कर दी, पर संत कहते हैं जिसे तुमने वेदी में विराजा वो भगवान नहीं है, वो भगवान की मूर्ति है। उस मूर्ति में जो प्रतिष्ठापित तुम्हारी प्रेरणा है वो भगवान है, उसे पहचानो। भगवान की भगवत्ता को पहचानने की कोशिश करो, मूर्ति को नहीं, उसमें रहने वाले मूर्तिमान को जानने की कोशिश करो, और भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देखकर अपनी अवधारणा को साफ करो कि भगवान कौन है। तो सहज, शांत, निर्विकार, वीतराग जो शुद्ध परमात्मा है वह भगवान है, जिनके अंदर किसी से राग नहीं, जिसके अंदर किसी से द्वेष नहीं, जिनके मन में कोई भय नहीं, जिनके मन में कोई चिंता नहीं, जिनके हृदय में क्रोध नहीं, जिनके हृदय में क्षोभ नहीं, जो सब प्रकार के दोषों, दुर्बलताओं, दुर्गुणों और दुखों से मुक्त है वह भगवान है। जिसके हृदय में दोष पल रहे हैं, जिसके हृदय में दुर्बलता है, जिसके जीवन में दुर्गुण है और जो दुखों से घिरा है वो भगवान नहीं है। सर्व दोषों से मुक्त, सर्व दुर्बलताओं से दूर, सब प्रकार के दुर्गुणों से रहित और सब दुखों से मुक्त परमात्मा है, जो कभी हमारे ही श्रेणी के प्राणी थे, पर उन्होंने अपने चैतन्य का उत्कर्ष करके उस परम अवस्था को प्राप्त किया। उस भगवान की शरण को प्राप्त करने वाला ही अपने दुखों से मुक्त हो सकता है। इसका मतलब भगवान के चरण पकड़ लो, तुम दुखों से मुक्त हो जाओगे। पहले भगवान को पहचानोगे तब तो तुम भगवान की शरण में जाओगे। तो मूर्ति को पकड़ते हो, मूर्तिमान को नहीं,
और तुम्हारा जो धर्म का भाव है वो भय और काम से प्रेरित है। तुम भय के कारण अपने मन की कामनाओं से प्रेरित होकर भगवान के चरणों में जाते हो, अब भगवान के चरणों में भी नहीं जाते, भगवान की मूर्ति के पास जाकर अपने हृदय की प्रार्थना उनसे करते हो, और वो प्रार्थना भी नहीं अपने मन की इच्छा और कामना की पूर्ति के लिए उनके चरणों में जाते हो, उनसे कुछ याचना करते हो। मूर्ति में इतनी कोई सामर्थ्य नहीं कि वह तुम्हारी याचना की पूर्ति कर दे, कोई मूर्ति तुम्हारी किसी याचना की पूर्ति नहीं कर सकती। अगर मूर्ति को देखा जाए तो मूर्ति तो एक भौतिक वस्तु है, जड़ है, पुद्गल है। मूर्ति तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकती, मूर्तिमान से तुम्हारा उद्धार होगा, भगवान से तुम्हारा उद्धार होगा। भगवान की शरण को ग्रहो तो महाराज भगवान ही हमारा उद्धार करेंगे, तो मंदिर में हम भगवान को विराजमान किस लिए किए, मूर्ति क्यों पधराए? इसलिए क्योंकि हमारी आँखों में एक अभ्यास बना हुआ है, वह है मूर्त को देखने का, और भगवान अमूर्त हैं, तो हमने मूर्त की एक प्रतिमा को गढ़ी, और इसलिए गढ़ी कि उस मूर्त को देखकर अमूर्त की प्रेरणा प्राप्त कर लें कि ये जो स्वरूप है ये वीतराग स्वरूप है, ये हमारे जीवन का आदर्श है, और यदि हम इसे आत्मसात करते हैं तो सुनिश्चित तौर पर ये हमारे जीवनोत्कर्ष का आधार बनेगा, हम मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ सकेंगे एक प्रेरणा के लिए, और हम समझेंगे कि यही भगवान का स्वरूप है जो मेरा शुद्ध रूप है, हम इनकी तरह इनके मार्ग का अनुसरण करेंगे, तो सुनिश्चित तौर पर इस भाव सागर से तर सकेंगे। तो ऐसे भगवान के स्वरूप को जानो। आचार्य कुंदुकुंद कहते हैं, जो जान अधि जिनेंदे पेच्छदि, जो जानंदी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते ही, सो जानदि अपानम मोहो खलु जादि तस्लयम। जो जिनेंद्र भगवान को उनके द्रव्य गुण और पर्याय के साथ जानता है, यानी जो भगवान के स्वरूप को जानता है, वो अपनी आत्मा को जान लेता है, और जो भगवान के साथ अपनी आत्मा को जानता है उसका मोह नष्ट हो जाता है। मोह नष्ट हो जाता है यानी उसे अपने जीवन की सही समझ मिल जाती है। अभी तक तो सब मोह में जीते हैं, और जिसकी बुद्धि मोहग्रस्त है उसकी प्रवृत्तियां मूढ़ होती है, वो एक प्रकार के भ्रमपूर्ण आत्ममुग्धता में जीता है। जीवन की वास्तविकता से अनभिज्ञ रहने के कारण वह दुख के साधनों को ही सुख का साधन मानने का भ्रम पाल लेता है। संत कहते हैं, भगवान को जानो, वह बीतराग रूप भगवान है, और सच्चे अर्थों में वह तुम्हारा ही अपना एक रूप है जो भीतर छिपा हुआ है, प्रकट नहीं है। अभी तो हर व्यक्ति ने अपने अपनी कल्पना और धारणा के अनुरूप अलग अलग भगवान की मूरत गढ़ ली। बीतराग भगवान को भी लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं। मैं पुनः दोहराता हूँ, भगवान को पूजने वाला तर जाता है,
मूर्ति को पूजने वाला यही रहता है। मूर्तिमान को पहचानो, उसकी शरण अंगीकार करो। जो अदिति परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है, पुरुषोत्तम की शरण ग्रहण करता है, वही दुखों से पार उतर सकता है। शरण किसकी ग्रहण करना? भगवान की। भगवान को जानो और फिर भगवान को मानो। क्या मानो भगवान को? ये हमारे तरनहार है, ये हमें पार लगा देंगे, ये मेरे दुखों को मिटा देंगे। महाराज जी ने भी कहा कि जो केवल वे ही लोग दुखों से बच सकते हैं जो उस अदिति पुरुष की शरण में आते हैं। तो मानने का मतलब केवल पूजा पाठ करना नहीं, भगवान को मानने का मतलब अपना हृदय उनके चरणों में समर्पित कर देना, भगवान की शरण पा जाना। शरण में आओ। शरण में आने का मतलब बस एक भाव अपने हृदय में जगाओ कि प्रभु मेरे लिए जो कुछ है वो आप ही हैं, आपके अलावा कोई नहीं, क्योंकि आपका स्वरूप ही मेरा स्वरूप है और आपका मार्ग ही मेरा मार्ग है। आपके रास्ते पर चल करके ही हम उद्धार कर सकेंगे अपनी आत्मा का, इसलिए मुझे अब और किसी के रास्ते पर नहीं चलना, और किसी को अपना आदर्श नहीं बनाना। मैंने आपको और केवल आपको अपने जीवन का आदर्श बनाया है और आपके चरण चिन्हों पर चलते चलते मैं आप जैसा आदर्श प्राप्त करना चाहता हूं। यह मनोभाव सबको देख लिया, अब आपके अलावा मेरे दुखों का हमेशा हमेशा को अंत करने वाला और कोई दूसरा है भी नहीं, है भी नहीं। भगवान, आपसे मुझे एक बात की समझ मिल गई कि दुनिया में और किसी के पास जाऊंगा तो जो उसके पास है वो थोड़ा बहुत कुछ देगा, लेकिन एक आप हैं कि आपकी शरण में जाते हैं तो आप अपना स्थान देने को तैयार हैं। किसी भगवान सेठ के पास जाओगे, हाथ फैलाओगे, वो तुम्हें कुछ दो चार दस बीस रुपया देगा, लेकिन भगवान के पास जाओगे तो भगवान तुम्हें अपना आसन देने को तैयार है। पुत्यासतम यही नात्म समम करोति की बात यही है। इसलिए मैं इस समझ से प्रेरित होकर आपके चरणों में आया हूं, आपकी शरण पाने के लिए। और मेरी ये पक्की अवधारणा बन गई है, अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम। एकमात्र आप ही मेरे शरण हैं, अन्य कोई दूसरा मेरा शरण नहीं है। मेरे आदर्श, मेरी प्रेरणा, मेरे आलंबन, मेरे आश्रय केवल आप है। आपके द्वारा बताया गया मार्ग है, मैं अब चलूंगा तो केवल आपके चरण चिन्हों पर चलूंगा। सच्चे अर्थों में वही भगवान को मानने वाला है। भगवान को मानने वाले भी दो तरह के, एक वो है जो खूब भगवान की पूजा पाठ भक्ति करे पर भगवान के रास्ते पर न चले, और एक वो है भले पूजा पाठ भक्ति में कमी कर दे पर भगवान के रास्ते से रत्ती भर भी इधर उधर न हो। किसको अच्छा कहोगे बोलो? हाँ, भगवान को मानने वाले को या भगवान की बात मानने वाले को? हाँ, किसी बाप की दो संतान हो, एक वो है जो 24 घंटे सेवा करता है पर बात एक नहीं मानता,
और दूसरा है जो अपने काम धाम में लगा होने के कारण सेवा के लिए समय तो नहीं निकाल पाता पर बात एक भी बात नहीं काटता। अब बोलो आपकी दो संतानों में आप किसको ज़्यादा पसंद करोगे, पहले वाले को या बाद वाले को? बाद वाले को ना। तो तुम भी भगवान की संतान, यदि अपने आप को भगवान की संतान मानते हो तो देखो मेरा नंबर कौन सी संतान में, पहले वाले में या दूसरे वाले में? हाँ, दूसरे वाले में है स्थान। भगवान की बात मानते हो? सोचो, भगवान ने जो कहा वो करो ना करो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन भगवान ने जिसका निषेध किया उसे ना करने का संकल्प लो, तब तुम्हारा भगवान को मानने का कोई अर्थ होगा। तो भगवान को मानना यानी भगवान को अपने जीवन का आदर्श बनाते हुए उनके रास्ते पर चलना और तय कर लेना कि जिन पथ को छोड़कर मुझे और किसी पथ पर देखना भी नहीं है। भगवान की शरण, ये भगवान के प्रति बढ़े हुए अनुराग की अभिव्यक्ति होगी कि बस आपसे आपके मार्ग से मेरा जुड़ाव है नाता है, बाकी से मेरा कोई प्रयोजन नहीं कोई नाता नहीं। बस तस्मिन अनन्यता तद विरोधीसु उदासीनता च, आपके आपके मार्ग में एकदम लीन हो गया उससे मेरा प्रगाढ़ संबंध बन गया और जो आपके मार्ग के विरुद्ध है उससे उदासीनता। रोज भगवान की पूजा से अपने जीवन की शुरुआत करते हो, लेकिन जिसकी पूजा करते हो बाहर आते ही उसके सिद्धांतों की हत्या कर देते हो, तो पूजा का अर्थ क्या? बोलो ये भगवान को मानने वाले कहलाएंगे? हाँ बोलो, कहलाएंगे? तो ये भक्त कहलाएंगे कि बगुला भक्त कहलाएंगे? अगर आपको बगुला भक्त कहें तो बुरा तो नहीं लगेगा महाराज? आपसे तो ऐसी अपेक्षा नहीं कि आप कह दें, मैं कहूँगा भी नहीं पर मैं यही देखूँगा, कहूँगा इतना जरूर कहूँगा, भक्त बनना बगुला भक्त नहीं बनना, और अपने भीतर झांक कर देखना कि मेरा स्थान भक्त में आ पाया या नहीं। एक आदर्श भक्त के रूप में मैं अपने आप को स्थापित कर पाया या नहीं? अगर कर लिया तो समझना मेरा जीवन तर सकता है, और नहीं किया तो यही संसार में फंसे रहना पड़ेगा। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मर्म को जानना होगा। तो तस्मिन अनन्यता तन विरोधी सुदासीनता च, जो भगवान के मार्ग के विरुद्ध है, जो भगवान के उपदेशों के विरुद्ध है, जो पाप पूर्ण कार्य है उनमें उदासीनता ला, उनसे दूरी रखो, और भगवान के मार्ग में अनुराग बढ़ाओ। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, अन्य आश्रय आलंबन को त्यागने का नाम ही अनन्यता है। बस एक आप ही मेरे लिए शरण हो, एक आप ही मेरे ठौर हो, मेरे जीवन में नहीं कोई और है, ये सोच ये श्रद्धा ये विश्वास और भावना जिसके हृदय में विकसित होती है उसके जीवन की दिशा दशा सब कुछ पलट जाती है। मुझे तय समय में बात पूरी करनी है, 4 मिनट बचे। भगवान को जानो,
भगवान को मानो, अंदर से टटोल कर देखना मैं भगवान को मानता हूँ या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिखता तो है कि मैं भगवान को मानने वाला हूँ पर अंदर भगवान के प्रति कोई विश्वास नहीं है, तो उसे सुधारने की जरूरत है। फिर भगवान को ध्यावो, उनके इस वीतराग स्वरूप में अपने चित्त को लगाओ। बहुत कठिन होता है, दुनियादारी की बातें तो पल पल याद आती है, भगवान का नाम बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। कितना पल है जो तुम भगवान को ध्याने में लगाते हो। आज आपको डर का प्रसंग आता है, कोई चिंता की बात आती, तब भगवान याद रखते हैं, उस समय आ जाते हैं। इसलिए भगवान आ जाओ, आप मेरा डर मिटा दो, मेरी चिंता मिटा दो, मेरा संकट निकाल दो। भगवान कहते ये सब कुछ होने वाला नहीं है, तू अगर मेरे को ठीक तरीके से ध्याता समझता तो तेरे ऊपर आए हुए संकट तुझे दिखते ही नहीं और संकट आते ही नहीं। आ भी जाते तो तू मेरी तरह फौलादी बनकर अपने संकटों को पार कर लेता, पर तेरी दुर्बलता ऐसी है कि तूने अपने आप को समझा नहीं, फौलादी बनना था फरियादी बनकर के आ गया, और मेरे पास भी तू याचक बनकर आता, मुझे हंसी आती। ठीक तरीके से जो भगवान के स्वरूप को जानते हैं पहचानते हैं वे हर पल भगवान के स्वरूप को ध्याते हैं, यानी उस वीतराग स्वरूप का चिंतन करे, उनके गुणों का स्मरण करे, उस तरफ अपनी दृष्टि को हमेशा बनाए रखने की भावना भाए। बस भगवान आपकी शरण में आया हूँ और आपने मुझे मेरे स्वरूप का आभास करा दिया, आपने मुझे बता दिया कि आखिरकार मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर है अब वो आपके महात्म से दूर हो जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर आत्मदृष्टि प्रकट हो गई है। ये प्रकट हो जाए तो भगवान को पाने में कोई कठिनाई नहीं है। तो जानो, मानो, ध्याओ और पाओ। पाओ क्या, खुद भगवान हो जाओ तो अपना जीवन धन्य हो सकता है। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवासरी विद्यासागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे बापू साहेब कमल पाटिल पुणे, हेमंत सुचेता लट्ठे बेलगांव, अभिषेक परिमा, सोहम लट्ठे पूर्वा और अभिषेक जैन यूएसए, फर्म गिरनार एलॉयस प्राइवेट लिमिटेड बेलगांव।